please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियल्टी मीडिया में और आज हम आए हैं गुड़गांव कमिश्नर के पीआरओ मिस्टर रविंद्र कुमार जी के पास। रविंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। रविंद्र जी से हम डिस्कस करेंगे और जानकारी लेंगे कि जब एक बायर होता है उसके साथ जब धोखा हो जाता है बिल्डर के द्वारा, बिल्डर उसका घर देने में देरी देता है या कई और चीज़ें होती हैं जैसे जो उनकी ईएमआई होती है उसमें फंसा दिया जाता है या उनके पैसे दे के जब वापस करने की बारी आती है तो उसमें ब्याज नहीं दिया जाता और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जब उन्हें दिक्कत आती है तो वो जब भी कंप्लेन करने जाते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता और वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि ये जो केस है सिविल नेचर का है या उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीक हैं, बिल्डर ने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स में फंसा लिया होता है, ऐसी डॉक्यूमेंट्स वो साइन कर देते हैं जिसके खिलाफ़ वो बिल्डर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। तो आज हम इसी चीज़ के लिए इनके पास आए, रविंद्र कुमार जी के पास, कि ये बताएंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए और केस किस नेचर का होता है, कब तक होता है और कब इसके अंदर पुलिस इंटरफेयर कर सकती है और पुलिस से कब एक बायर मदद मांग सकता है। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब एक बायर के साथ धोखा हो गया तो उसमें पुलिस का रोल कब से शुरू होता है, ये केस सिविल से क्रिमिनल कब बनता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि जो भी होम बायर होता है, जो स्टार्टिंग में अपनी पूरी मेहनत की, जो एक उसकी पूरी जीवन का जो उसका इकट्ठा किया हुआ पैसा होता है उससे वो मकान खरीदने की इच्छा रखता है और काफ़ी पैसा इकट्ठा करके वो एक उम्मीद के साथ कि उसका खुद का घर हो, और डायरेक्ट कई बार न्यूज़पेपर्स के एडवर्टाइजमेंट से और किसी और मीडिएटर से वो संपर्क करता है बिल्डर से। उस फर्स्ट दौर हमें ये ही देखने की ज़रूरत होती है कि हम कई बार जो न्यूज़पेपर्स में जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आती हैं या कुछ और ऐड आते हैं उनके बहकाव में आकर ही हम बिना सोचे समझे अपना जो जीवन का जो हमारा कीमती पैसा होता है वो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने की बहुत ही ज़रूरत है कि जो भी हम पैसा जिस भी बिल्डर्स के साथ लगा रहे हैं तो क्या उसका पीछे का स्टेटस क्या है, क्या उसने गवर्नमेंट से जो एक CLU होता है वो इसने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, और लिया है तो कब से, क्या वो रजिस्ट्रेशन उसने कराई है कि नहीं कराई हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बहुत ही ज़रूरी देखने की बात होती है कि सिर्फ हमें न्यूज़पेपर्स में ऐड देखकर ही किसी पर अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या उस जगह का उस बिल्डर ने CLU पास करवाया कि नहीं। एज़ पर नॉर्म्स इट इज़ मैंडेटरी कि ये देखना कि वहाँ उस जगह का CLU है कि नहीं है। दूसरा, उस जगह उसने जो भी है बिल्डर ने क्या रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं है। उसके बाद ये चीज़ें चेक करने के बाद हमें आगे स्टेप उठाना चाहिए। उस दौरान जब हम कोई भी एग्रीमेंट हम किसी बिल्डर के साथ करते हैं तो स्टार्टिंग में जो भी उनकी एज पर एग्रीमेंट जो उनकी कंडीशंस होती है हम उनको फॉलो करते हैं और उसमें कितना परसेंट जो पैसा वो पहले ही डिपॉजिट करा लेते हैं, तो उस टाइम वो जो अपनी फॉर्मेलिटी के तौर पे जो भी हमारा पैसा है हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो भी हमारा पैसा है वो हमें कैश नहीं देना चाहिए, क्योंकि कैश में एक पुलिस के पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास नहीं रहता कि आप लोग उसको पुलिस के सामने सबमिट कर सकें। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर को खरीदने में तो उसको हमें सारे को ही थ्रू अकाउंट देना चाहिए, चाहे वो थ्रू चेक हो, चाहे वो पैसा हमने DD के थ्रू हो, उसमें एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है जब वो टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पर जब उनकी वो हम एक फाइल तैयार की हुई होती है बिल्डर की तरफ से जिसमें वो होम बायर होता है वो अपने साइन करता है, तो उसको भी एक हमें हालांकि वो इतनी ज़्यादा होती है वो इंस्ट्रक्शंस और टर्म्स एंड कंडीशंस कि जिनको पढ़ना है ना एक सिंपली कोई नहीं पढ़ता, और वो ना ही पढ़ने की वजह सबसे बड़ी ये होती है कि अगर देखा जाए तो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी ही वो मोस्टली बिल्डर के फेवर में होती है ना कि होम बायर के फेवर में, और बिना हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े ही उस पर साइन कर देते हैं, जो भी एक हमारे जो होम बायर होता है उसके लिए वो काफ़ी दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरी तरह से पढ़ना चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि उसमें जो बिल्डर ने टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी हैं उसमें क्या उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को खरीदने में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो टर्म्स एंड कंडीशन को भी हमें पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े हम अमूमन कोई भी हो बिना पढ़े ही उनको साइन कर देता है। जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस दौरान हमें पता लगता है कि भाई ये जो कंडीशंस हमने पहले ही बिल्डर अपनी तरफ से ये बोलता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है और इसमें देखिए ये इन्होंने एग्री होके ही साइन किए हुए हैं, तो वो भी एक बहुत एक लैग पॉइंट होता है होम बायर के लिए कि वो उसके बाद में फिर उसके पास कोई इस प्रकार की एविडेंसी नहीं रहती कि वो उनके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर करा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अमाउंट हमने पैसा देना है वो हमें अपने अकाउंट से ही देना है कैश पेमेंट की बजाय, क्योंकि उसका पास हमारे को पास कोई प्रूफ नहीं होता। दूसरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उनका उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े हमें कोई भी टर्म्स कंडीशन साइन नहीं करने चाहिए। और इसके बाद बात आती है, अगर कई बार आप कहते हैं कि वो पुलिस चक्कर कटवा रही है, पुलिस चक्कर वो कटाने का मेन पुलिस का इसमें ये नहीं होता कि किसी पब्लिक को हम हरास करें। हमें पता है कि एक जो होम बायर होता है वो अपनी पूरी जीवन का जो अपना पैसा है, वो चाहे लोन लेता है चाहे कुछ भी करता है, वह एक सोचता है कि मेरा खुद का घर हो, वो पैसा लगाता है और उसके बाद फिर हम होम बायर ये सोचता है भी पुलिस हमारे चक्कर कटा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत ये होती है कि पुलिस के पास जब तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज ऑन फाइल नहीं आती तब तक वी कैन नॉट रजिस्टर द एनी क्रिमिनल केस इन दिस रिगार्ड। तो हमें उसमें ये देखना होता है कि क्रिमिनल केस के लिए हमारे पास ऑन फाइल क्या क्या रिकॉर्ड हमारे पास चीज़ है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि जो भी होम बायर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है उसका। अगर आपने किसी भी होम बायर ने कहा कि भाई मैंने 5 लाख रुपये उस बिल्डर को दिए हैं, 2 लाख रुपये मैंने कैश दिया, 3 लाख रुपये मैंने उसको वो दिया, तो वो एक अगर हम उस बात के लिए जो बिल्डर है वो ये कहता है कि नहीं जी इसने तो मेरे को 3 लाख रुपए दिए हैं ये देखिए, तो उसके लिए जो 2 लाख रुपए जो इन कैश दिए हैं उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता और हम उसके लिए वो नहीं कर पाते। तो जो भी चीज़ हो उसको हमें बिल्कुल उनके अपने अकाउंट से ही देना चाहिए। और जहाँ बात आती है भी सिविल नेचर और क्रिमिनल का, उसमें वो एक उस दौरान की जो एक जो कंप्लेंट जो प्राप्त होती है उसमें कंप्लेंट ने क्या क्या मेंशन किया होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाए होते हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही ये क्लियर हो पाता है कि ये मैटर सिविल नेचर का है क्रिमिनल नेचर का है। जहाँ बात है क्रिमिनल नेचर की, उसमें ये देखना पड़ता है कई बार बिल्डर जो फोर्जरी करता है, जैसे 420 करता है कि फ्लैट दिखाता कोई और है, बेचता कोई और है, उसको शुरू में जो होम बायर उसको प्रलोभन देता है कि उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेता है कि ये जी पार्क फेसिंग होगा, इसमें ये फैसिलिटी हम आपको देंगे, ये सारी चीज़ें वो अगर पूरी तरह से रिटर्न में उनको देता है और उस इंस्पाइट ऑफ द उसके बाद अगर वो चीज़ ना देकर कोई और चीज़ उनको दे रहा है जिसकी कीमत जो उन्होंने रखी थी उस कीमत से उसकी डाउन कीमत में है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाए तो वो एक क्रिमिनल मैटर में आता है। दूसरी बार कई बार क्या होता है कि जो होम बायर का जो पैसा होता है वो बिल्डर जो भी उसका 50% है 60% है जितना भी अमाउंट होता है और टाइम से उसका पोजीशन नहीं देता, तो ये सारा एक क्रिमिनल उसमें आता है। सिविल नेचर में मैटर तभी ही जा पाता है जब उसमें कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट एविडेंसेज हमारे पास नहीं होते कि हम उसको क्रिमिनल की तरफ मूव करें। तो इस प्रकार की काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स होम बायर की तरफ से रह जाती हैं जिस कारण से उनका ही फ़ायदा एक बिल्डर उठाता है और वो उनका फ़ायदा उठाकर ही बिल्डर इस प्रकार की जो फॉर्जरी करता है वो इसी कारण से सब होता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 2017 और ये अब 18 आ गया, इसमें जो बिल्डर और बायर के कॉन्फ्लिक्ट थे, फॉर्जरी हो गए या सिविल नेचर के केस हो गए, इसमें अब ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। देखिए जहाँ बात कॉन्फ्लिक्ट की है उसमें अब जितना पुलिस ने इसको मामले को गंभीरता से लेकर इनके खिलाफ बिल्डर के खिलाफ बहुत ही हमने 420 के इस तरह के केसेस रजिस्टर किए हैं और केस रजिस्टर करने के बाद उनको हमने जुडिशल तक भी उनको भेजा है कि इस प्रकार के जो भी केसेस में उन्होंने 420 किए, तो हमने काफ़ी केसेस इस प्रकार के बिल्डर के अगेंस्ट दर्ज किए हैं जिसके कारण से अब पिछले करीब 1.5-2 साल से इस तरह के केसेस में काफ़ी कमी आई है। और उनका मेन कमी आने का पीछे यही है कि इसमें पुलिस ने पूरी तरह से इसको फोकस किया और फोकस करते हुए इस तरह के उसमें बगैर किसी डिले के ही तुरंत उसकी जाँच करवा कर इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग सेल से उसकी जाँच कराते हुए और तुरंत उसका कंक्लूजन करके हमने केस रजिस्टर किए हैं और केस रजिस्टर के बाद उसमें हमने तुरंत एक्शन लिया। तो अब करीब 1.5-2 साल से इस तरह के केसेज में काफ़ी गिरावट आई है।
पुलिस की इतनी पुख्ता और मुस्तैदी के लिए धन्यवाद, पुलिस इतना लोगों का ख्याल रख रही है। 2018 के लिए आपका कोई खास विजन कि इसमें और बढ़ोतरी ना आएगी और बिल्कुल क्राइम फ्री हो जाएगी? अभी आपको अभी हाल ही में एक जो हरेरा जो अभी किया है वो कानून का मेन वो बनाया भी इसीलिए गया है, वो आम पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है कि उसमें किसी प्रकार का पब्लिक को कोई नुकसान ना हो और वो बिल्डर के किसी भी झांसे में ना आए। तो वो हरेरा जो एक्ट बनाया गया है उसका गवर्नमेंट सरकार का उसके पीछे यही मोटिव है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इसमें जो उनकी जो एक मूलभूत सुविधा के लिए जो मकान हो वो प्रोवाइड करवाए जाएँ और वो किसी के बिल्डर में इस प्रकार के उसके झांसे में ना आए। शुक्रिया रविंदर जी अपना कीमती समय देने के लिए। रविंदर जी से हमने बात करी, उन्होंने हमें बताया कि बायर्स की अपनी ही गलतियां होती हैं जिनकी वजह से पुलिस उनका साथ चाहते हुए भी नहीं दे पाती है। जो वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं बिल्डर से फ्लैट लेते वक्त, बिल्डर को पेमेंट करते वक्त, उनके अंदर बिल्डर की कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिसमें बिल्डर जीत रहा होता है और बायर्स कहीं ना कहीं फंस रहे होते हैं। तो आप जब अब अपना घर लेने जाएं, अपनी जो जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाने जाएं, तो जो एग्रीमेंट हो उसे डिटेल में पढ़ें। अगर आप ना पढ़ पाएं तो किसी एडवोकेट को ज़रूर दिखाएं, वो उसे समझें और जितना भी लेन देन हो आपका उसे अकाउंट से करें ताकि वो ट्रांजैक्शन आप कहीं पे शो कर पाएं कि आपने बिल्डर को दिए हैं। रियल्टी मीडिया देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिएगा और भी अपडेट्स के लिए। राकेश सिंह की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन हर्षित चौधरी के साथ।